परासिया पेंच क्षेत्र में इंटक कोयला मजदूर यूनियन का अधिवेशन हुआ, जहां निजीकरण का जमकर विरोध किया गया। अधिवेशन में कोयला माइंस यूनियन के अधिकारियों ने बताया कि यूनियन मजदूरों के हित के लिए हमेशा खड़ी रहती है। परासिया पेंच क्षेत्र में इंटक कोयला मजदूर संघ यूनियन के अधिवेशन में हेड ऑफिस से आए यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। अधिवेशन में बताया कि कोयला माइंस के हर मजदूर के हित में यूनियन काम करती है। कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के पहले मजदूरों का निजी कंपनियां शोषण किया करती थीं, जिसके चलते मजदूर परेशान रहता था। लेकिन भारत सरकार फिर वही निजीकरण की नीति अपना रही है, जिसका इंटक ने जमकर विरोध किया। इंटक नेताओं ने कहा कि मजदूरों के हित के लिए इंटक यूनियन बनाया गया था। इंटक आज भी और हमेशा के लिए मजदूरों के साथ रहेगा। तो थोड़ी बहुत मनमुटाव होते हैं, हो गए, ये बाहर नहीं जाना चाहिए था लेकिन चला गया, लेकिन आपस में निपट गया और किसी ने किसी से ऐसी मतलब दुश्मनी नहीं बढ़ाई कि फिर हम मिलके काम ना कर सकें। अपने पीछे का काम कर रहे हैं, चाहे हमारे विधायक पहुँचे, सब अपने इंटक में। अभी कोयला उद्योग को बचाने के लिए, कोयला मजदूरों के उत्थान के लिए संघर्ष और क्या करेंगे? आपको भारत सरकार की कौन सी नीति मजदूरों के पक्ष में है आप बता दीजिए। चाहे वो श्रमिक कानून हो, चाहे निजीकरण हो, चाहे मजदूरों के भलाई की बात हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।